कर दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही एक पावरफुल खाद के बारे में चर्चा करूंगा। देखिए, अभी ये जो मौसम है, इस गर्मी में ये बेल मिल जाता है, जिसकी पना बना के भी ऐसे खाया जाता है, जो हमारे पेट से संबंधित जितने बीमारी है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। साथ में इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर इसको आप तोड़ लेते हैं, बारीक करके किसी बर्तन में डाल दीजिए, 4-5 दिन के बाद उसकी पानी को आप 10 गुना पानी में ज़्यादा मिला के उसकी अगर पौधे में देते हैं तो पौधे की फ्लावर बहुत ज़्यादा होती है। फ्लावर और फ्रूटिंग जो है वो बहुत अच्छा होती है। इसके साथ एक और पोटेशियम मिश्रित खाद बना सकते हैं, जिसमें केले के छिलके, आलू के छिलके और प्याज के छिलके, ये तीनों जो है इसमें पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पोटाश जो है ये हमारे फूल और फल के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसकी लिक्विड खाद तैयार करें और अपने पौधे को दीजिए। ये जो मौसम है इसमें तरबूजा, खरबूजा और बेल जो है इसी मौसम में मिलता है, और बाकी जो मिलता है वो बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेगा। लेकिन ये सीजन जो है ये आप इसकी कलेक्ट करके रख सकते हैं। ये इसकी अगर आप लिक्विड खाद तैयार करते हैं तो बहुत ही अच्छा खाद तैयार होता है। ये जो बेल है इसमें पोटेशियम की प्रचुर मात्रा में मिलती है, और जो पोटाश है वो हमारे पौधे के लिए, फ्रूटिंग के लिए और फल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अभी आप किसी भी पौधे में डालेंगे जिसमें फ्लावर नहीं आ रहा हो, या फ्लावर अगर आ रहा हो तो उसमें डालेंगे तो उसके प्रचुर मात्रा में आपको फ्लावर मिलेगा। बेल में बहुत सारे खनिज पदार्थ पाया जाता है। इसमें 600 मिलीग्राम जो है ये पोटेशियम मिलता है। ये आपके केले, बनाना पील्स, आलू के छिलके और ये जो ऑनियन पील्स है, इसकी अपेक्षा इसमें बहुत अधिक मात्रा में आपको पोटेशियम मिलता है। और पोटेशियम, जब भी आप पोटेशियम की लिक्विड आप अपने पौधे को डालते हैं तो पौधे में बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में फ्लावर खिलता है। फल वाले पौधे हैं तो फल भी बहुत अधिक मात्रा में आपको मिलता है। तो देखिए इसको तैयार कैसे करना है। ये मैंने कुछ बेल कलेक्ट कर लिया था, इसको छोटे छोटे टुकड़े में इसको तोड़ लीजिए। तोड़ने के बाद किसी बर्तन में आप इसको डाल देंगे, छोटे से बर्तन में। तो देखिएगा 2-3 दिन इस, ये थोड़ा टाइम लगता है इसको गलने में, एक जल्दी गलता नहीं है, लेकिन जितने अच्छे ज़्यादा टुकड़े करेंगे तो वो जल्दी आपको वो गल जाएगा। और इसको कुछ दिन तक रखिए, कम से कम 4-5 दिन तक रखिए, ये ख़राब नहीं होता है। अगर ये ख़राब हो रहा हो, आपको लगता है कि ज़्यादा दिन रखना है, तो आप उसमें थोड़ा सा मात्रा में विनेगर, जो वाइट विनेगर आता है, उसको डाल के रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होता है। ये सालों साल आप इसकी इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से बना के रखिए, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि किस तरह से बनता है, और उसके बाद आप पौधे में डाल के देखिए, ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है। मैं ये सारे जो है मैं तोड़ लेता हूँ। देखिए यहाँ मैंने सारे बेल को तोड़ लिया और इसमें 2 बॉटलर के लायक हो गया है। अब इसमें क्या कीजिए, पानी भर के रख दीजिए ऊपर तक, थोड़ा सा जगह उसको खाली रखिए। अगर गैस बनता है तो वो उसको कवर करेगा, और बीच बीच में ढक्कन खोल के गैस को निकालते रहिएगा, और 1-2 दिन के बाद किसी भी चीज़ से उसको अच्छा घुमाते रहिएगा, चलाते रहिएगा, पानी यहाँ तक भरेंगे इसको। अब हम इसको कर लेते हैं, ये जो तरबूजा खरबूजा है। देखिए जो बेल है ये एक पोलिनेटर का काम भी करता है अच्छा। आप एक टुकड़ा बेल, कोई भी एक बेल को तोड़ के आपके जहाँ फ्लावर है उसके आसपास रखेंगे तो देखिएगा बेल पे आके जो मधुमक्खी वगैरह है वो आके बैठता है, साथ में वो आपके फ्लावर पे जाएगा और वो अच्छा पोलिनेटर का भी काम करता है। चलिए इसको भी मैं बारीक बारीक काट लेता हूँ, फिर इसके भी हम लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। देखिए यहाँ तरबूजा, तरबूजा में भी जो सीड निकला था उसको हमने कलेक्ट करके रखा है। इसको धो के, अच्छे से धो के सुखा के आप किसी डब्बे में पैक करके रखिए, और उसमें थोड़ा सा फंगीसाइड, जो सांप की फंगीसाइड वगैरह आता है, उसको आप थोड़ा सा इसमें मिला के रख दीजिएगा। तो नेक्स्ट ईयर जो है आप तरबूजा और खरबूजा भी घर पे अपने ग्रो बैग में उसको उगा सकते हैं। आप 14 इंच का ग्रो बैग लीजिएगा या कंटेनर लीजिएगा जो 14 इंच के लगभग लगे आपको, तो वो अच्छे से आप उसको ग्रो कर सकते हैं तरबूजा खरबूजा को। और छोटे से ही पॉट में यहाँ ग्रो हो जाती है। मैंने तरबूजा और खरबूजा दोनों ही ग्रो किया है, और घर का जो तरबूजा खरबूजा है बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। तो आप छोटे छोटे पॉट में, अगर आपके पास जगह कम हो और टेरेस पे हो तो आप इसको उगा सकते हैं। बालकनी में आप ककड़ी, खीरा, ये बालकनी में आप उगा सकते हैं।
तो इसके जरूर कलेक्ट करके रखिए, गैस में भी रखा हुआ है, मैं इसको भी निकाल लूँ। देखिए मैंने यहाँ पे तरबूजा और खरबूजा को काट लिया है। देखिए तरबूजे के टुकड़े मैंने थोड़ा छोटा किया है और खरबूजा के थोड़ा बड़ा है। ये खरबूजा तो जल्दी गल जाएगा, लेकिन जो तरबूजा है ये बहुत ही टाइम लेता है इसको गलने में, 1 से 2 महीने लग जाता है, जो धीरे धीरे वो गलता है। जैसे ही गलता रहता रहेगा और आप क्या करेंगे, उसको किसी भी लकड़ी की सहायता से ऐसे बर्तन में उसको अच्छे से हिलाते रहिएगा, और जैसे थोड़ी थोड़ी सी मात्रा जो भी आपको मिले, 100 ग्राम 200 ग्राम, आप 5 लीटर की कैन में डाल लीजिए या 10 लीटर के कैन में डाल लीजिए, डाल के आपके पौधे को डालेंगे तो ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए डालेंगे इनको। और ये जो है ये आप जो है इंडोर प्लांट उसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको भी इसमें पॉट में रख के कहीं भी रख दूंगा, कहीं सेमी शेड वगैरह जगह होगी तो वहाँ मैं इसको रख दूंगा। और रखने के बाद जैसे जैसे ये गलता जाएगा वैसे वैसे इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनता जाएगा, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसको हम मैं इसमें रख देता हूँ सारे भर के। बनने के बाद इसको हम कहीं सेमी शेड जगह है या धूप में भी रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। धूप में चूंकि जल्दी गलता है कोई भी चीज़, कोशिश करें कि कम धूप ही हो, ऐसे जगह रखिए जहाँ कम धूप मिले, क्योंकि इसमें गैस बनता है और गैस को बीच बीच में खोल खोल के हिलाते रहिएगा किसी लकड़ी से, और गैस को निकाल देते रहिएगा, और जैसे जैसे डाइल्यूट होते जाए वैसे वैसे उस डाइल्यूट को आप लेके अपने पौधे में डालेंगे तो आपका देखिएगा इंडोर प्लांट है बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगी, बहुत ही हरा भरा होगा। और जो आपके आउटडोर प्लांट है जिसमें फ्लावर या फ्रूटिंग हो रही है उसमें ये आप जो बेल का है इसके ये आप डालेंगे, ये इंडोर प्लांट के लिए होगी, ये आपके आउटडोर प्लांट जो फ्लावर और फ्रूटिंग के लिए है उसके लिए होगी। और इसमें साथ में हम एक मिक्स और बनाएंगे। देखिए ये जो है ना प्याज के छिलके हैं, इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम फास्फोरस सल्फर वगैरह मिलता है, जो एक तीखा गंध आती है वो सल्फर की वजह से आता है प्याज में। इसमें एक हम मिक्स बनाएंगे, ये सारे पोटेशियम रिच होगी, इसमें भी पोटेशियम बहुत मात्रा में मिलता है, केले के छिलके में भी बहुत मात्रा में पोटेशियम मिलता है, साथ ही आलू के छिलके में भी पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मिलता है। ये भी फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए और पौधे की ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसकी एक मिक्स बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं और एक मिक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं सारे चीज़ें हैं, तीनों चीज़ मेरे पास है इसलिए मैं मिक्स बना रहा हूँ। आप अगर एक एक करके आपको मिलता है बनाना पील्स, ऑनियन पील्स या आलू के छिलके आपको अलग अलग मिलता है, जैसे जैसे आपके पास मिलते जाता है वैसे वैसे आप उसको लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते जाइए और उसको भी दीजिए, पौधे को दीजिए, पौधे की ग्रोथ के लिए, पौधे की फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। इसमें भी प्रचुर मात्रा में पोटेशियम मिलता है, लेकिन बेल जो है उससे कम मिलता है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम जो है बेल में आपको मिलेगा 600 मिलीग्राम 100 ग्राम में 600 मिलीग्राम मिलता है, और आलू और प्याज में कम मिलता है। ये भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कितना मिलता है। तो चलिए हम इसमें पानी डाल देते हैं, पानी डाल के किसी जगह पर हम रख देंगे, उसके बाद जैसे जैसे डाइल्यूट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो तीनों आइटम तैयार किया है, इसमें हम पानी भर के रख देंगे। इसमें 5 से 10% जगह जो है उसको हम खाली छोड़ेंगे, क्योंकि इसमें जो गैस बनेगी उसके लिए हमें थोड़ा सा जगह देना पड़ेगा। ये ज़्यादा हो गया था बेल का, इसलिए 2 पॉट में हुआ है। ये हमने एक मिक्स बनाया है जिसमें ऑनियन, बनाना और पोटैटो पिल्स का है। अब ये क्या करेंगे, इसको हम अच्छे से सारे डब्बे को अच्छे से ढक के कहीं सेमी शेड में रखेंगे। अब क्या करेंगे हम, हर एक दिन दो दिन के बाद इसको खोल के, डब्बे को खोल के कोई भी रॉड की सहायता से इसको अच्छे से इसको थोड़ा सा हिला देंगे। इसमें 2 काम होगा, एक तो जो गैस डब्बे खोलने से जो गैस है वो निकल जाएगी, और साथ में ये जो हिलने से क्या होगा, ये डाइल्यूट जो है वो जल्दी होगा। तो मैं अब इन तीनों बर्तन को ऐसे ढक के अब रखता हूँ। देखिए दोस्तों ये 4 दिन की बाद की स्थिति है, 4 दिन के बाद जो है ये कुछ हल्का सा गला है, ऊपर आपको दिख रहा होगा। मैं हर एक दिन के दिन में एक बार इसको अच्छे से घोट देता था, इसको किसी भी इसके सहायता से लकड़ी से निकाल के मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको हिलाता रहता था। और आप भी जब भी कुछ भी चीज़ ये करें तो एक दिन पर डे या एक दिन छोड़ छोड़ के थोड़ा सा इसको हिला देंगे तो ये गलने में आसानी होती है। और ये तरबूजा तो अच्छे से नहीं गला, लेकिन खरबूजा जो है थोड़ी बहुत गल गई है इसको हिलाने की वजह से। अब मैं ये तीनों को निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से बना है और इसकी यूज़ कैसे करेंगे। आप अगर चाहे तो थोड़ा सा नीम खली, देखिए ये नीम खली रखा है, 1-1 चम्मच नीम खली इसमें आप डाल के रखेंगे,
तो ये नीम खली का ये डाइल्यूट हो जाएगा इसमें, और इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ाएगा, साथ साथ में क्या करेगा ये एंटी फंगस का काम करेगा, और इसमें कोई भी कीड़े मकोड़े अगर लगता है तो वो लगने नहीं देगा, साथ में फंगिसाइड का बहुत अच्छा काम करेगा। तो मैं एक एक चम्मच इसमें नीम खली डाल के रख रहा हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 3 गिलास ले लिया है, इसमें तीनों में मैं ये बारी बारी से डाल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद एक कैन में लेंगे, ये 5 लीटर की कैन है, इसमें 1 गिलास मैं इसमें डाल दूंगा। डालने के बाद उसको हम अपने पौधे में यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो दो है पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर है बेल का, और बनाना पोटाटो और ऑनियन पिल्स का मिक्स वाला है, और ये जो है तरबूजा खरबूजा, आपके पास ककड़ी वगैरह हो तो वो भी डाल दीजिएगा। तरबूजा खरबूजा ककड़ी, इनकी तासीर जो है ये ठंडी होती है, आप इंडोर प्लांट में दीजिए, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। देखिए दोस्तों ये तीनों से मैंने डाल लिया, निकाल लिया, इसकी कुछ इस तरह से कलर बना है, और ये जो फर्टिलाइजर बना है ये आपके पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि बरसात के दिनों में आप जब भी खाद देंगे तो वो पानी के साथ वो बह जाएगा, इसलिए आपको बार बार इसकी फर्टिलाइजर की यूज़ करना पड़ेगा, और तत्काल प्रभाव मिले पौधे को, तुरंत एनर्जी मिले, जो पोषक तत्व है पौधे को तुरंत मिलना चाहिए, तो ही बरसात में पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। उसके लिए आप लिक्विड फर्टिलाइजर डालेंगे तो लिक्विड फर्टिलाइजर जो है ये पौधे को तुरंत मिलता है। आपने देखा होगा मुरझाया हुआ कोई पौधा है, उसको हम पानी देते हैं तो 15 से 20 मिनट के बाद वो ताज़ा हो जाता है, तो उतना जल्दी जो है वो जड़ द्वारा जो है वो जो पानी है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। तो हम अगर फर्टिलाइजर पानी के साथ मिला के डालेंगे तो वो जड़ जल्दी से अवशोषित कर लेता है और उसकी जो ग्रोथ है बहुत अच्छी होती है। ये तीनों फर्टिलाइजर है, ये जो फर्टिलाइजर है इसको आप डाल दीजिए, चूंकि मैं यहाँ देखिए इंडोर प्लांट है, अब इंडोर प्लांट के लिए मैं ये जो तरबूजा खरबूजा का बनाया है ये डाल दूंगा। आप इसको छान लीजिए, जरूर छान के डालिए इसको, और चूंकि मेरे पास वो छन्नी लगा है उसमें बारीक बारीक वो हल्का हल्का आएगा इसमें, तो इस तरह से आप 5 लीटर में ये डाल लीजिए, ये 200 ग्राम के करीब होगी, तो 200 ग्राम आप 5 लीटर में डाल लीजिए। इसमें कोई भी नुकसान नहीं है आपके पौधे के लिए, किसी भी पौधे को आप देंगे तो वो बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। देखिए यहाँ पे जो भी फ्लावर प्लांट है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा से उसमें डालते जाऊँगा, सारे पौधे को हल्का हल्का सा दूंगा, इतना ही देना है हमें कि ऊपर से लेके उसकी जड़ तक गीला हो रहे, और वो जड़ से नीचे वो बह के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर जो है हम बहुत कम दे रहे हैं और पौधे को मिल जाए इसलिए हम उतना ही देंगे, और उससे ज़्यादा नहीं देंगे कि ये हमें बह के नीचे से उसको निकल जाए, उतना नहीं डालेंगे, जड़ तक के जाना चाहिए। और इस तरह से आप 2-3 दिन के बाद आप पौधे को डालिए, आपके पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो धन्यवाद आज यहाँ तक के मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी को।